वक्त एक अहम जानकारी है, एक अहम खबर हम आपको दे दें। टीवी 9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में हर अपडेट होगा, आज के चुनावी नतीजों का। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप समझ पाएंगे रुझानों से मिलने वाले सटीक संकेत। नतीजों के विश्लेषण के लिए टीवी 9 पर जाने माने एक्सपर्ट्स भी रहेंगे मौजूद। हर काउंटिंग बूथ पर हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से आज की तैयारी है टीवी 9 की, एक बड़ी तैयारी, हम आपको बताते चलें कि किस तरह से नतीजे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। करुणा भी मेरे साथ बिल्कुल कर चुके हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, देखिए करुणा पूरी दुनिया जानती है कि भारत का पूर्वोत्तर आज बेहद खूबसूरत है, तो अपनी खूबसूरती अपनी प्राकृतिक छटा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो आज वो रंग वो फीलिंग भी आपको आएगी जब आप नतीजे देखेंगे। ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की झलक उसके साथ साथ आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल रवि, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती की बात करें, प्राकृतिक सुंदरता की बात करें, जो हरियाली है, जो झरने और पहाड़ हैं, कुछ वैसे ही खूबसूरती लगातार आपको नतीजों में, रुझान में, ग्राफिक्स के जरिए नजर आएगी। और देखिए मेघालय की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से इस वक्त जो रुझान और नतीजे हैं वो क्या नजर आ रही है। इससे पहले आप मेघालय की तस्वीर देखिए, मेघालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए किस तरह से ये जो ग्राफिक्स है, और जो हमने आपको बताया कि जो प्राकृतिक सुंदरता है नॉर्थ ईस्ट राज्य, चाहे मेघालय हो या फिर नागालैंड हो या फिर त्रिपुरा, वो आपको हमारे हाईटेक स्टूडियो में नजर आने वाला है। वो आपको एक एक रुझान, एक एक जानकारी इन खूबसूरत ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने वाले। ये देखिए मेघालय में किस तरह से कौन आखिरकार वोट के बाजीगर साबित होंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो सब कुछ बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, तमाम जो दल है उन सभी का जो रुझान और नतीजा है वो आपके सामने होगा।